आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो आपका गाड़ी में जो आवाज़ आता है, जैसे ही गाड़ी को आप लॉक करते हैं, अनलॉक करते हैं रिमोट से, तो कुछ आवाज़ आता है ना, सबका गाड़ी में आता होगा। तो उस आवाज़ के बिना भी क्या गाड़ी को आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको ये वाला बटन दबाना है, कार लोकेटर बटन, फिर थोड़ा देर के लिए दबाना 3 सेकंड के लिए, और फिर लॉक अनलॉक को दबाएंगे तो आपका आवाज़ नहीं आएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि उसको दबाए बिना भी ये काम करे, तो वो भी हो सकता है। उसके लिए आपको कुछ प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा गाड़ी में, तो मैं आपको बताता हूँ। तो आप जब गाड़ी जो है इसमें आप मैं लॉक करूँ, अनलॉक करूँ, कुछ भी करूँ, तो क्या होता है, आवाज़ आता है। तो सबसे पहले तो गाड़ी को आपको खोलना है, गाड़ी का दरवाज़ा, अगर आपको प्रोग्रामिंग करना वाला तो। और फिर आपको गाड़ी को एक बार ऑन करना है, ऑन करना है, फिर ऑफ़ करना है, फिर आपको ये जो अलार्म स्विच, इसको 3 बार दबाना है, 1 2 3, फिर इसको पकड़ के रखना है थोड़ा देर, फिर आपको ये बटन दबाना है, लॉक बटन। 2 बार आवाज़ आया, यानी जो आपका जो सिस्टम है आवाज़ करने वाला, वो अब वो क्या बोलते हैं, बंद हो चुका है, अब वो आवाज़ नहीं करेगा। तो आप देखिए आपका सेटिंग हो गया है। तो इसमें क्या करना है, एक बार ऑन करना है, ऑफ़ करना है, फिर इसको 3 बार ऐसे दबाना है, फिर इसको दबा के रखना है, फिर आपको ये लॉक बटन दबाना है, 2 सायरन चिप का आवाज़ आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये जो अलार्म वाला बटन है इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं लॉक अनलॉक करके। तो अब मैं लॉक करूँगा, अनलॉक करूँगा, कुछ भी करूँगा तो आवाज़ नहीं आएगा, ठीक है। अब चलिए अब इसको फिर से एक्टिवेट कर देते ताकि मेरा आवाज़ फिर से लौट आए गाड़ी का, लॉक अनलॉक करने वाला। तो फिर से इसको ऑन करना है, ऑफ़ करना है, इसको 3 बार दबाना है, फिर इसको दबा के रखना है, 3 बार आवाज़ आया, फिर आपको लॉक बटन दबाना है, 1 साउंड आया, तो इसका मतलब आपका जो फिर से जो आपका जो सिस्टम था पहले वाला, वो उसी जैसा हो गया। फिर आपको ये अलार्म स्विच छोड़ देना है। अब देखिए आवाज़, तो ये देखिए आपका प्रोग्रामिंग हो गया है, आपको सिस्टम ने बोल दिया है कि प्रोग्रामिंग एक्सेप्टेड। अब देखिए, अब मैं जब भी गाड़ी को लॉक करूँगा, अनलॉक करूँगा, तो फिर से आपका गाड़ी का आवाज़। तो इस तरह से आप अपना गाड़ी को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।